हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आप सभी ने वेस्ट बंगाल डीएवी जोन का सारा रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड डेमोंस्ट्रेशन टेस्ट शायद कंप्लीट कर चुके होंगे, सारा एग्जामिनेशन दे चुके होंगे आप लोग। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किए थे कि कब बुलाया जाएगा, डेमोंस्ट्रेशन हो चुका है, कॉल किया गया या नहीं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही लेकर के आई हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वहाँ पे जो हुआ था, पहले तो सीवीटी एग्जाम हुआ था, रिटन टेस्ट के लिए सीवीटी कंडक्टेड हुआ था, और उसके बाद विद इन 7 डेज अगर आप लोग रिटन टेस्ट क्रैक कर पाए तो तब इंटरव्यू पे बुलाया गया था। और उसके आफ्टर द इंटरव्यू के 7 डेज के अंदर आप लोगों को डेमोंस्ट्रेशन के लिए बुलाया गया था, एंड फिर अगर आप लोग सिलेक्ट हो पाए तो विद इन 7 डेज ही कॉल किया गया था। ठीक है, तो रिटन टेस्ट का जो रिटन टेस्ट के आगे तो दोस्तों थ्रू इनबॉक्स एंड ईमेल में शॉर्टलिस्टिंग की मैसेज किया गया था, और इस बार तो पेमेंट का लिंक भी सेकेंड टाइम भेजा गया था, और इंटरव्यू के लिए भी इंटरव्यू एंड डेमोंस्ट्रेशन तो एक ही साथ हुआ इस बार। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डेट गिरा था और एक ही दिन में डेमोंस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू लिया गया था दोस्तों। और अगर आप लोगों का कुछ डिफरेंस रहा मैं जो कह रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो होता है दोस्तों, डेमोंस्ट्रेशन और इंटरव्यू तो इस बार एक ही साथ हुआ है, तो आफ्टर द डेमोंस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू विद इन 7 डेज आप लोगों को शायद कॉल किया जाएगा इफ दे हैव द रिक्वायर्ड वैकेंसी। तो वैकेंसी रहने से आप लोगों को जरूर 7 डेज तक कॉल मिल जाएगा, क्योंकि डीएवी पैनल तैयार करके रखता है, जब भी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ता है तो आप लोगों को बुलाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि किस किस को ज्वाइन के लिए बुला गया है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ने डेमोंस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, डेमोंस्ट्रेशन टेस्ट दे चुके होंगे, शायद बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत अच्छे एग्जामिनेशन दिए होंगे, तो फिर भी वो लोग बहुत ही कंफ्यूज है क्योंकि वैकेंसी कब आएगा, कब स्कूल से कॉल किया जाएगा दोस्तों, इसलिए बहुत ही टेंशन में है और बहुत ही कंफ्यूज है उन लोग। तो इसलिए आप लोग जरूर एक कमेंट करके आप लोगों का ओपिनियन बताइएगा कि कैसा हुआ एग्जाम। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश की, डीएवी बहुत ही रेपुटेड एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है दोस्तों, एंड परमानेंट की हिसाब से, परमानेंट के बाद यहाँ पे 7th पे 6th पे कमीशन के हिसाब से भी सैलरी आप लोगों को दिया जाता है। तो डीएवी में इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ही एफर्ट देते हैं सिलेक्शन होने के लिए, सिलेक्टेड होने के लिए दोस्तों। तो इसलिए मैंने मेरा बहुत ही कोशिश की, मैं कुछ वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मेरा एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। तो ऐसे आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा गया एग्जाम, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था, डेमोंस्ट्रेशन कैसा गया, कितने टाइम तक डेमोंस्ट्रेशन हुआ, एंड अगर आप लोगों को बुलाया गया है तो फिर भी ज्वाइनिंग के लिए अगर आप लोगों को बुलाया गया है तो फिर भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, प्लीज मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, ये मुझे जरूर बताइएगा। अगर बुलाया जाए तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, और नहीं भी बुलाया जाए फिर भी आप लोगों का ओपिनियन दीजिएगा रिगार्डिंग द डेमोंस्ट्रेशन टेस्ट एंड इंटरव्यू, क्योंकि अदर्स जो कैंडिडेट्स है आप लोगों के कमेंट से शायद बेनिफिटेड हो सकते हैं, एक्यूमुलेटेड अगर आप लोग थ्रो कमेंट हो सके तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। इसलिए मैं वीडियो लेकर के आई हूँ कि ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों उसी को बुलाया जाता है जो जिसका एक्चुअली रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, डेमोंस्ट्रेशन में अच्छी स्कोर होती है, एंड एकेडमिक्स भी आप लोगों का अगर अच्छी है और फ्लुएंसी अच्छी है तो उन लोगों को बुलाया जाता है दोस्तों। तो जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, शायद आप लोगों को अगर लास्ट जो इंटरव्यू था दोस्तों 8th अप्रैल 9th अप्रैल तक था, ठीक है, तो 5 डेज ही हो चुका है अभी तक, 5 डेज ही सिर्फ हुआ है, 5 to 6 डेज। तो
शायद आप लोगों का 10 डेज आप लोगों को वेट करना चाहिए, तो एक बार देख लीजिए, अगर बुलाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो कल तो पहला बैशक था बंगालीज का, तो इसलिए शायद देख लीजिए अगर आज बुलाया जाए और कल बुलाया जाए। तो ये तो इसके रिगार्डिंग तो कुछ नोटिफिकेशंस नहीं दिया जाता है, सिर्फ ओनली थ्रू इंटीमेशन ऑफ कॉल ये आप लोगों को बुलाया जाता है, इनबॉक्स एंड ईमेल पे नहीं आता है ये सारा डिटेल्स, ओनली ज्वाइनिंग के लिए कॉल करके ही बुलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों का कन्वीनियंस, आप लोगों का अगर कोई भी ओपिनियन रहे, आइडिया रहे इसके बारे में, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ऐसे बहुत सारा कैंडिडेट बेनिफिटेड हो सकेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत ही जल्द से जल्द बुलाया जाए, क्योंकि टीचर्स रिक्रूटमेंट यही इस समय ही होता है, अप्रैल में ही होता है दोस्तों, और यही सेशन है टीचर्स रिक्रूटमेंट का, बहुत सारे टीचर्स रिक्रूटमेंट भी हो रहा है। तो डीएवी वेस्ट बंगाल जोन से जिन जिन लोग एग्जामिनेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो अगर बुलाया जाए आप लोगों को सारा डिटेल्स मुझे जरूर प्रोवाइड करना कमेंट करके, और अगर ना भी बुलाया जाए तो एग्जामिनेशन के बारे में सारा डिटेल्स अगर आप लोग फेस कर चुके होंगे तो फिर भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सारे लोग जो भी एक्सपीरियंस किए हो तो ये आप लोगों के लिए, ईच अदर के लिए ही बेनिफिटेड होगा। ठीक है, तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, अच्छे से प्रिपरेशंस लेते रहे दूसरे स्कूल्स के लिए भी दोस्तों, और वेट करते रहे डीएवी ज्वाइनिंग के लिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।